हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक कोठारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट का देख ही लिया होगा। जो कुछ मुद्दे चल रहे थे पिछले दो तीन दिनों से, चार दिनों से, उन मुद्दों पे इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया कि ये सारे बेसलेस वीडियोज़ हैं, ये सारे बेसलेस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं एंड दिस इज़ अफेक्टिंग द इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो इन सब बातों को इग्नोर करें। जो भी वीडियोस फैलाए जा रहे हैं मार्केट में, उन वीडियोस से बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है और इसीलिए आप इन सब मुद्दों को इग्नोर करें। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम पेपर्स चेक करते हैं, यही एक्चुअली उसमें से निकलता था। आखिरी में उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि अगर फिर भी कहीं स्टूडेंट्स को ये लगता है कि स्पेसिफिक क्वेरीज है उनको, तो वो इंस्टीट्यूट को लिखे, तो वो इसे सॉर्ट आउट करेंगे। मैं ICAI इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, नो डाउट अबाउट इट। क्वालिटी एजुकेशन ICAI प्रोवाइड करता है और वो सेट करता है बेंचमार्क का एग्जामिनेशन में, और इवैल्यूएशन के लिए भी बेंचमार्क सेट किए गए हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम आपको नहीं बताएंगे। इन केस ऑफ एनी स्पेसिफिक क्वेरी, अब लास्ट वाले मुद्दे पर ध्यान देना, अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो स्टूडेंट्स आर हियर बाय एडवाइज्ड टू राइट टू द इंस्टीट्यूट डायरेक्टली। डायरेक्टली लिखो, क्यों आप बाकी लोगों के पास में जा रहे हो ये सब चीज़ें बताने के लिए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को लिखो। एंड द सेम विल बी एड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, और वो एड्रेस किए जाएंगे सही तरीके से अप्रोप्रिएटली। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इज आर फोरमोस्ट प्रायोरिटी। सो ध्यान देंगे, दिस इज द एंटायर नोटिफिकेशन इज बाय द सेक्रेटरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। प्लीज़ आई ऑलरेडी सीक फॉरगिवनेस फॉर यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू हु आर गेटिंग हर्ट बाय द एंटायर वीडियो बाय एनी ऑफ द वर्ड। देर इज नो इंटेंशन लाइक दिस। आई एम पुटिंग द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज। आई एम नॉट सेइंग एंड आई एम नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। ओके, लास्ट पॉइंट पर उन्होंने कुछ चीज़ें बोली, मैं क्लियर कट दो तीन चीज़ें बोलना चाहता हूँ। जो ये नोटिफिकेशन आया, अगर इसके बजाय एक एक्सेप्टेंस आता कि हाँ ठीक है कुछ गलतियाँ हुई होगी और हम देखते हैं और हम उसको सुधारेंगे, मतलब जो मिस्टेक होती है, गलती होती है, उसको एक्सेप्ट करने वाली अगर कोई चीज़ आती तो पूरा इंडिया उसको अप्रिशिएट करता। थोड़े लोग होते हैं जो कि उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है गलत है, लेकिन अप्रिशिएट करता। लोगों को ये नहीं चाहिए कि जो पीछा हो चुका है वो उसमें कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन आगे से कम सुधार लाया जाए, पूरा इंडिया अप्रिशिएट करता। लेकिन पूरे इंडिया में हर स्टूडेंट को पता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, दिस इज द फैक्ट। और उसके बाद ऐसा नोटिफिकेशन आने से उल्टा और ये चीज भड़केगी, इन द सेंस कि जो इमेज है वो और टार्निश होगी। आपका बोलने का मतलब है टार्निश हो रही है, वो और टार्निश होगी। जो भरोसा था इंस्टीट्यूट पे वो और टूटेगा। लोगों ने इतना तक बोलना शुरू कर दिया, अब तो सीए भगवान भरोसे, बिकॉज इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर ऐसे नोटिफिकेशन आता है सो हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, हमारी कितनी भी अपील हो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, अब तो सीए भगवान भरोसे। क्या चल रहा है मार्केट में, मैं आपको पहले ये चीज़ बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली पीपल आर रिएक्टिंग। ओके, सो आई हैव कलेक्टेड सम लाइक स्क्रीनशॉट्स बेसिकली, जहाँ जहाँ पे लोगों ने ये सब चीज़ें लिखी है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये हर जगह ऐसा ही चल रहा है। सबसे बेस्ट स्क्रीनशॉट मुझे ये लगा, किसी ने तो इस नोटिफिकेशन को लिया, उसमें दो चार छः टिक मारे एज इफ कि वो आंसर शीट है और आंसर शीट को चेक किया जा रहा है, सही 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 सही, सारे आंसर्स सही है, सारी चीज़ें सही है, और आखिरी में यहाँ पे मार्किंग दी गई जीरो, और उसके आगे लिखा गया कि स्टूडेंट नेम ICAI अटेम्प्टिंग सिंस 1949। आई डोंट नो किसने किया ये चीज़, बस मेरे पास में आई तो मैंने आपको बताया, एक चीज़ है। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ तो आया कि सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, उसके आखिरी में ये चीज़ आई कि ICAI एंड इट्स नोटिफिकेशन। उसके बाद ध्यान देना, किसी ने बोला कि दिस एंटायर अनाउंसमेंट इज विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओके, उसके बाद ICAI इज फोकसिंग ओनली ऑन इट्स बॉटम लाइन इग्नोरिंग टॉप लाइन कंप्लीटली। आई कैन सी ICAI एंटरिंग इनटू विजय माल्या एंड किंगफिशर लिमिटेड सिचुएशन। ICAI जाने दो। सो कंक्लूजन इज दैट नथिंग विल चेंज, सो गिव एग्जाम्स विद 200% एफर्ट्स एंड आफ्टर एग्जाम्स टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सिट इन टेम्पल एंड प्रे टू गॉड फॉर फेयर मार्किंग ऑफ योर आंसर शीट।
ठीक है, माँ बाप ने भी भरोसा करना छोड़ दिया। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने बहुत ही कम चीज़ें आपको बताई है और फैक्ट्स है जो कि सामने रखा है। प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टन और डोंट फील डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दैट। कुछ चीज़ें और है जो कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। ओके, सो अनाउंसमेंट का ये भी मैंने स्क्रीनशॉट फेसबुक पे डाला था एंड पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग। कोई भी एक इंसान मुझे नहीं मिल रहा है जो कि सपोर्ट कर रहा है उसको, नोटिफिकेशन को, बिकॉज एवरी वन नोज वॉट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। लिसन टू दिस, अब सच में पछतावा हो रहा है सीए ज्वाइन करके। दीज गाइज आर प्लेइंग विथ आर फ्यूचर एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जस्टिस डिलेड एंड ऑल दैट। लास्ट लास्ट में कुछ तो लोगों ने बोला। और एक खतरनाक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या था नोटिफिकेशन में? नोटिफिकेशन में आपने ये देखा था कि आप हमें लिखिए और हम उसको प्रॉपरली एडवाइस करेंगे या प्रॉपरली उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ मैंने फेसबुक पेज पे भी डाला, देर इज़ अ पेज कॉन्फ्रेंसा डॉट इन। प्लीज़ फॉर सेक, अब इसको एडवर्टीजमेंट का मुद्दा मत बनाना, ठीक है? अच्छा, इसके कमेंट में कुछ 5 कमेंट आए हैं। इसके कमेंट में एक पर्सन ने लिखा है, गौतम अग्रवाल, फॉर मोर देन 1 आवर आई वेटेड, समवन विल रिस्पॉन्ड टू माई कंसर्न एट ICAI, बट नो वन डिड। अब ये स्क्रीनशॉट उसने लिखा भेजा है, तकरीबन ये 6:24 का है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ICAI ओपन रहता है उस टाइम पे, नहीं रहता, लेकिन 1800-200-2501 पे तकरीबन 1 घंटा 13 मिनट हो चुका है बंदे को बात करते हुए। अब अगर इस मुद्दे को इस तरह से मरोड़ा जाए कि ये तो सर फोटोशॉप भी हो सकता है, आप इसको छोड़ दो, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, आप खुद वेबसाइट पे या हर जगह जाके देखो कितने आपको फोटोशॉप वाले मिलेंगे। एक दो चीज़ें, 3 चीज़ें फ़ोटोशॉप भी हो सकती है, लेकिन जब हज़ारों चीज़ें आएगी मार्केट में, पता चलेगा हर चीज़ फ़ोटोशॉप नहीं होती। ये चीज़ है, और कहीं पे भी कंसर्न नहीं उठ रहा है। करना क्या सर, हमने करना क्या? आप अच्छा ये भी छोड़ दो, और कहाँ था, इंस्टाग्राम पे भी है, बट आई एम नॉट इन अ मूड राइट नाउ टू शो द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे सीएस रिलेटेड पेजेस में भी अब ट्रोल्स बनना शुरू हो चुके हैं। जैसी नोटिफिकेशन आया था, सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही आई थी कि अब ट्रोल्स बनेंगे, बिकॉज नोटिफिकेशन ही कुछ इस तरह का था। मतलब बात कुछ और की गई, सारी दुनिया को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानेंगे, दैट वॉज द एंटायर नोटिफिकेशन। अब मुद्दा आता है कि सर ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, अब करना क्या? पहली चीज, उम्मीद मत लगाना। इट माइट बी डिसहार्टनिंग टू यू, बट उम्मीद मत लगाना कि इस मुद्दे पे कुछ अच्छा होगा, छोड़ दो, लेकिन अपना काम ज़रूर करके जाना। आखिरी में इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि हमको लिखो, हमको लिखो और हम उस मुद्दे को सॉर्ट आउट करेंगे। मैं यहीं पे आपको क्लियर कट बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि सही में जो इंस्टीट्यूट ने ये नोटिफिकेशन में लिखा है वो उस पे ऑनेस्ट है क्या। क्या आपको, अगर आपने मेल किया इंस्टीट्यूट को, लिखो मतलब मेल करो, आई थिंक मेल बहुत सारे किए गए थे लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया आज तक, ठीक है, एक बार और कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिंक में मैं आपको एक PDF देता हूँ, उसके अंदर एक जगह पे क्लिक करना, सीधा इंस्टीट्यूट को मेल जाएगा। आपको चाहिए तो बॉडी का टाइप जो मैटर है वो बदल सकते हो। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड आपका टाइम सेव करने के लिए आई विल ऑलरेडी फ्रेम समथिंग इन एन ईजी लैंग्वेज। आप चाहो तो बस क्लिक करो, सेंड करो ईमेल और देखो कि आपको रिप्लाई आता है क्या। रिप्लाई आया तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अगर रिप्लाई आ रहा है सही में आपको, तो इंस्टीट्यूट सुधर रही है, मतलब चीज़ें सुधर रही है, ओके अगर नहीं रिप्लाई आया तो फिर सीए भगवान भरोसे। सो आई विल पुटिंग अप लिंक PDF का। आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू मेल टू द इंस्टीट्यूट। इतने सारे लोग हैं, मेल करके देखो, अपना मुद्दा, अपना पर्सनल मुद्दा उसमें लिखो क्या है। आपको अगर स्कैन कॉपी मिली है उसमें लगता है कि सजेस्टेड और ये स्कैन कॉपीज में आंसर सेम है, डालो, भेजो। मैं आखिरी में अभी भी यही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं करना ज़रूर, उम्मीद मत रखना कि कोई रिप्लाई आएगा, छोड़ देना वहाँ पे, लेकिन बस मेरा इतना काम बनता है करना तो मैंने किया है, बिकॉज लेट्स सी ना कि रिप्लाई आता है क्या। जाने दो सब लोगों को मेल। सो देर विल बी अ लिंक, गो अहेड एंड यूज़ दैट लिंक, ठीक लगे तो ही करना। यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लास्टली आई विल टेल यू दैट ये वीडियो बनाने के पहले मैंने कई बार सोचा वीडियो बनाया जाए नहीं बनाया जाए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं नवंबर 18 वाले, उनका एग्ज़ाम है एंड इट माइट अफेक्ट देयर स्टडीज़। आई विल रिक्वेस्ट एंड आई एम
एक्चुअली सीकिंग फॉर अपोलोजीज फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स, अगर आपका इन वीडियोज़ की वजह से या मेरे वीडियोज़ की वजह से नुकसान हुआ है तो. बट मुद्दा ऐसा है जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता. मैं चाहूँ तो आज ये चीज़ ना करूँ, ये आगे ऐसे ही चलते रहेगा, कोई भी सवाल नहीं उठाएगा. कब खड़े करेंगे सवाल? एक क्वेश्चन ज़रूर आया था कि सर आप काम क्यों नहीं करते, मतलब सब लोगों के लिए था कि नवंबर बोला गया था कि ये वीडियोज़ एग्ज़ाम के जस्ट बाद आने चाहिए और जनवरी तक रहने चाहिए, एग्जाम के 2-3 महीने पहले नहीं आने चाहिए थे. ऐसे मुद्दे उठाना सही बात है लेकिन नहीं आने चाहिए थे. मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद में बच्चा अप्लाई करता है स्कैन कॉपीज़ के लिए. स्कैन कॉपीज़ आने में देरी हो जाती है. सो जनवरी आपका चला गया, लेट से अभी मतलब जैसे सेप्टेम्बर आ गया, अब ये स्कैन कॉपीज़ आने के बाद बच्चा खुद इवैल्यूएट करता है और जहाँ पर उसको दिक्कत लगी वो अपने टीचर के पास में जाता है. तो आते आते जब टीचर के पास आएगा वो पेपर आंसर शीट, ये सितंबर ऑलरेडी हो चुका था. तो इसके अलावा और कोई टाइम नहीं बचता कि ये वीडियोस लाया जाए. अगर सितंबर की बात को इग्नोर करके यही चीज़ें अगर नवंबर के बाद लाई जाए तो तब तक पुरानी हो चुकी होती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं. एंटायरली पर्पस सिर्फ यही है टू मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट्स ऑल गोइंग ऑन. दिस नोटिफिकेशन इट्सेल्फ, आई एम टेलिंग यू, दिस नोटिफिकेशन इट्सेल्फ इज गोइंग टू टार्निश द एंटायर इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट. चीज़ें अभी भी सुधारी जा सकती है एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट एंड आई विल बी द प्राउड मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अगर चीज़ें सुधरती है तो. वॉट ऑल आई वॉन्ट इज दैट थिंग्स शुड इम्प्रूव. चलने दो कुछ दिनों तक, अगर ऐसा लगता है किसी को कि भैया गलत हो रहा है या वीडियोज से भी गलत हो रहा है, चलने दो सारी की सारी चीज़ें. मे बी कहीं ना कहीं एक होप बनी रहती है कि कुछ सुधारा जा सके. आपको नहीं लगता कि जो 3 दिन से इश्यूज़ खड़े हुए वीडियोज़ फैकल्टीज ने डाले उसकी वजह से इंस्टीट्यूट को मजबूर होकर नोटिफिकेशन डालना पड़ा? कानों में गया तो है कम से कम. मुद्दा वापस आने दो, 2-3 बार अपने आप कुछ ना कुछ होगा. सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस 1% होप इन द एंटायर सिनेरियो. हुआ तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं हुआ तो सीए भगवान भरोसे. बाय बाय.